विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन जारी। पहले चरण के लिए अब तक 57 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने खरीदे पर्चे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक दर्ज हुए 12 मामले। 12.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी भी जब्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और विधानसभा अध्यक्ष नाला से लड़ेंगे। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का राज्य में दिखेगा असर। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रूस और ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। शिखर सम्मेलन का इस बार का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियां, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भारत ने हिस्सा लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, तो वहीं ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को भी बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि पिछले साल जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था के बारे में हाल के समझौते को देखते हुए इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल के बाद और ये बैठक हो रही है और वहां से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो काफी खास रहेगा आज का दिन और सभी की निगाहें होंगी इस द्विपक्षीय बैठक पे। हालांकि समिट की अगर हम बात करें तो 16वां ये समिट है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हुए आज नजर आएंगे। काफी खास और महत्वपूर्ण आज का दिन और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ब्रिक्स समिट पर हैं। ब्रिक्स समिट के साथ साथ आज जो द्विपक्षीय बैठक है उस पर भी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि करीब 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और इसके साथ साथ सभी इस पर भी नजर बनाए हुए हैं कि दोनों के बीच किस तरीके की बातचीत आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको बता दें कि रूस के दौरे पर है। आज उनके रूस के दौरे का दूसरा दिन है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स का पिछले साल विस्तार हुआ था और इस विस्तार के बाद कई देश इसमें शामिल हुए, जिसके बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा जो 5 देशों के बाद अन्य जो देश शामिल हुए उनके साथ भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 38 सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे भी लेने शुरू कर दिए हैं। संभावना है कि आज से इस चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और कल कई दिग्गज उम्मीदवारों की ओर से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने की खबर है। और उधर पहले चरण के लिए राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अब नामांकन के लिए 3 दिन शेष बचे हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 57 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, भारतीय जनता पार्टी और आजसू समेत अन्य दलों के कई घोषित उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं और संभावना है कि आज और कल ज्यादातर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इधर खूंटी में अबुआ झारखंड पार्टी के प्रत्याशी सोमा मुंडा ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भी खरीदा है। इनमें भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद सोमा मुंडा ने कहा कि इलाके का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। गांव-गांव जाता हूं, घूमता हूं और पंचायत घूमता हूँ, प्रखंड में घूमता हूँ, लोगों को समझ से लेकर के हमेशा आंदोलन करता हूँ। तो इसी पर विश्वास की जनता समझ जाएगी कि भाई ये हमारे एक अवसर में इनको अगर सदन तक पहुँचाएंगे तो मेरा समस्या दूर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि कम समय में भी मेरा प्रयास होगा और गांव तक पहुँचाएंगे। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल कार्यालय में झामुमो उम्मीदवार सविता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद यहां एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हमारा सबसे पहले मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे तभी हमारा प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा और तभी ये राज मजबूत हो सकता है, नहीं तो नहीं मजबूत हो सकता। मुख्यमंत्री अनेक योजना जेटा मुख्यमंत्री जी हमारे ग्रामे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचू से रकम योजना आने विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि रांची, सरायकेला और जामा समेत 3 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें 21 विधायक हैं। पार्टी की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो नाला से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांगडे सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं स्टीफन मरांडी को महेशपुर और मथुरा प्रसाद महतो को टुंडी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी को टिकट काट कर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जीएमएम ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और साथ ही साथ कहां से कौन कौन उम्मीदवार इस समय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं इसकी भी जानकारी उन्होंने दे दी है। हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही अगर लिट्टीपाड़ा से बात की जाए तो यहाँ हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके तहत देवघर, गुड्डा, कोडरमा, चतरा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद पर पार्टी के प्रत्याशी इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने चतरा से मंत्री सत्यानंद भोक्ता को टिकट नहीं देकर उनकी बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इधर भाकपा माले ने भी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जिसमें निरसा, सिंदरी और राजधरमार शामिल है। हाँ, राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और कोडरमा से सुभाष यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। रश्मि प्रकाश चतरा से, नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से और संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से उम्मीदवार होंगे।
तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी ये सूची जारी की गई है। हालांकि इसमें सिर्फ 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट है और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हम लोग सब लोग जो है चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, तो इसके लिए जो भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा झारखंड में शासन किया और झारखंड को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उन लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण विरोधी लोग, जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण को भी लागू नहीं होने दिया झारखंड में, उसको जो है झारखंड की जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि झामुमो के पास उम्मीदवारों की कमी है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि झामुमो के लोग अगर कहते तो वो 2-4 और नेता भिजवा देते। जेएमएम रूलिंग पार्टी है, जेएमएम को हमारा लोगों का अपेक्षा था टिकट देने के लिए, उनका पास कैंडिडेट ही नहीं था, ये तो मेरा आज तक समझ में नहीं था। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। मेरा तो मालूम ही नहीं था आपका पास प्रत्याशी ही नहीं था। ये कभी संभव होता है कि इतना बड़ा पार्टी, बड़ा नेता, आज एक साल से हरदम मसा हुआ है कि हम जीत गया, काल जाके मुझको पहला बार पता चला कि आपका पास प्रत्याशी ही नहीं था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कल रांची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अन्नपूर्णा देवी, प्रदीप वर्मा समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने पार्टी नेताओं से संगठनात्मक कार्यों की भी जानकारी ली। संगठन महामंत्री ने टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने की भी बात कही। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 12 मामले दर्ज किए गए हैं, उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। श्री कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनावी गतिविधि को प्रभावित करने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 12.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उसका कितना भी कहां पर भी वायलेशन मिल गया वहां देखा जा रहा है। सभी चेक पोस्ट अपने अपने जहां पर मोटामोटी तैयार हो गया, अपने जहां पर अपने काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा भी आज भी एक सीसर हुई थी, एक 1 करोड़ का ऊपर एक जहां पर पैसा कैश पकड़ा गए थे उसमें एक उसका भी है। बाकी वाला भी मैं आपका डिटेल आपको पास शेयर कर देंगे। बहुत बड़ा सीसर करके नहीं, सब छोटा छोटा 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का एक सीसर है, उसका साथ में एक्सेस में भी सीसर है। आपका इलीगल लिकर फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री सीज हुई, वो सब कुछ भी कम लोग कार्रवाई करते हैं। कितना भी आपका वो इलेक्शन के इन्फ्लुएंस करने के कितना भी आइटम, वो सब कुछ भी कार्रवाई किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सफलता मिली स्टेट पुलिस का, उसका बाद वो फ्री फीस का डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेट एक्सेस डिपार्टमेंट ज़्यादा सफलता मिली, उसी का भी अपने कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लिए पूरा तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेक पोस्ट उसका सपोर्ट करती है। उधर मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य भर में कार्रवाई जारी है। सिमडेगा जिले में पुलिस ने यात्री बस से करीब 10 किलो गांजा बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैजू राव ने बताया कि पुलिस ने इससे पहले लगातार 2 दिनों में 27 और 40 किलो गांजा बरामद किया। उधर जिले के कोलबीरा प्रखंड अंतर्गत सिजांग में 29 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 31 बियर की बोतलें बरामद की गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक आरोपी फरार है। दुबास में तलाशी करने पर करीब 9 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद किया गया और साथ में गांजा तस्कर सुरेंद्र कुमार, तुलसी मिस्त्री
और उदय चौधरी तीनों गया जिला के रहने वाले हैं को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 मोबाइल एवं 2300 रुपया नगद बरामद की गई है। सत्यापन एवं जांच के क्रम छापामारी की गई तो महेश नायक और संतोष साहू के घर से कुल छोटा बड़ा 29 बोतल अंग्रेजी शराब एवं 31 बोतल बियर की बरामदी हुई है। जिस संबंध में फुलबीरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं संतोष साहू को गिरफ्तार किया गया है। एक महेश नायक फरार है जिसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरिडीह जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रयास लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। गिरिडीह जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रयास लकड़ा ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 14 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शेष सभी बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तब तक पोलिंग कराया जाएगा तब तक क्यू में 4 बजे लगे हुए सभी 5 से सुबह 5:30 से 5 बजे तक। इसका अर्थ यह है कि सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल समय शुरू हो जाना है, क्योंकि वो ईसीआई के एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अहम हिस्सा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वैसे स्थानों को चिन्हित कर जागरूकता पैदा की जा रही है जहां मतदान प्रतिशत कम हुआ था। उन्होंने बताया कि स्वीप के तहत कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मतदाता जागरूकता हेतु लोगों को और भी जागरूक करना चाहेंगे और हम लोग स्वीप एक्टिविटी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वोटर अवेयरनेस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने आयोग से 80 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की है। अर्धसैनिक बलों को नक्सल प्रभावित बूथों पर तैनात किया जा रहा है। जहां पे चेकिंग आज से स्टार्ट हो गई है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, कई जगह के सीजर्स भी आ रहे हैं लोगों को, और इसको लेकर के प्रोसेस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। गिरिडीह जिले में अवैध गतिविधियों को लेकर भी धरपकड़ जारी है। अब तक अवैध हथियार समेत 48 लाख रुपए मूल्य के शराब और दूसरे सामान जब्त किए गए हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल मतदाता जागरूकता से संबंधित भोजपुरी गीत का वीडियो जारी किया। इसके गीतकार और संगीत संयोजक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार हैं। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार भी मौजूद थे। आप लोग को अच्छा लगा इसका मतलब ठीक है। हाँ हम लोग इंतजाम सारा करते हैं, उसको थोड़ा उसको प्रचार करना होगा। हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य स्थानों पर रंगोली के माध्यम से क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर आमजनों को खूंटी एवं तोरपा विधानसभा क्षेत्र में मताधिकार को लेकर प्रेरित किया गया। अपने देश की, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
स्वीप कार्यक्रम के तहत गुमला जिले में भी मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। साथ ही खेल के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आइकन बनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। गुमला जिले में मतदाता जागरूकता रथ को रवाना करने के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि ये रथ जिले के सिसई, विशुनपुर और गुमला तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी अंशुता टोपो, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सूरज मुनी कुमारी और राष्ट्रीय एथलीट अनिल उराव निर्वाचन के दौरान जिले का आइकन बनने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जिले के मतदाताओं से राज्य और देश हित में मतदान करने का आह्वान किया है। गुमला वासियों से अपील करता हूँ कि दिनांक 13 नवम्बर 2024 को आप अपना मतदान केंद्र में जाकर आप अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दे। मैं 13 नवंबर 2024 को होने वाले मतदाता तिथि को आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। धन्यवाद। मैं वोट के लिए तैयार हूँ, क्या आप सभी तैयार हैं? 13 नवंबर 2024 को आप अपना वोट जरूर से जरूर दें। राज्य भर में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर बोकारो जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न माध्यमों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल मतदाता जागरूकता को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदान के प्रति जागरूक और प्रेरित किया गया। रांची जिले के बुंडू नगर पतरा टोली में कल शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोलने के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। इधर पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में टूटी हुई है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आए थे और प्रभारी जी ने यहाँ पर चिकित्सक को भी भेजा था, तो उन्होंने जब यहाँ पहुँचा और देखा कि ये जीवित नहीं है, और उसी वक्त मैं भी यहाँ पहुँचा। मैंने देखा कि दो बच्चे यहाँ पर हमारे क्षेत्र के हैं। बहुत ही दुखभरी घटना है और ये जांच का विषय है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। कौन बंगाल के खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान दाना का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 24 से लेकर 26 अक्टूबर को रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में आज भी कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है, जबकि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 26 अक्टूबर को भी राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इधर पीवी के कॉलेज में बुंडू में आयोजित अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का कल संपन्न हो गया। फाइनल मुकाबला मारवाड़ी कॉलेज और रामलखन सिंह यादव कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें मारवाड़ी कॉलेज की टीम विजयी रही। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और जर्मनी के बीच दो मैच की द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान जोहर कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से पुणे में होगा। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। और अब बात कारोबार जगत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिटी बैंक के सीईओ जेन फ्रेसर से मुलाकात की और दशकीय सुधारों तथा भारतीय के भविष्य के मद्देनजर बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा की। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2023 के 8.2% से घटकर 2024 में 7% पर पहुंचने का अनुमान। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है, हालांकि कुछ देशों में कीमतों का दबाव अब भी बना। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। We'll be right back.
23 अक्टूबर साल 1778 को वीरांगना रानी चिन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगाम के पास काकती गांव में हुआ। वे भारत की कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थीं। साल 1824 में रानी चिन्नम्मा ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। उनका नाम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले शासकों में लिया जाता है। रानी चिन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। 23 अक्टूबर साल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हिम तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है, हालांकि वे शिकार और अवैध शिकार के नुकसान की चपेट में हैं। हिम तेंदुए अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। ये अकेले रहने वाले जीव हैं। हिम तेंदुए मुख्य रूप से भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, भूटान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 23 अक्टूबर साल 1898 को खंडूभाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ। वे एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के संगठन मजूर महाजन का काम अपने हाथों में लिया। उन्हें भारत की संविधान सभा के लिए भी मनोनीत किया गया। खंडूभाई गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। उनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बेहद गहरा प्रभाव रहा। रांची के गोपाल प्रजापति का मूर्ति बनाने का काम पुस्तैनी है। कई पीढ़ियों से इनका परिवार गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां तैयार करता आ रहा है। मिट्टी को आकार देते कुम्हार को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ऐसे कुम्हार को भी जानते हैं जो अपने हुनर से मिट्टी के भाग्य बदल देता है? भाग्य भी ऐसा कि आकार लेते ही यह घर घर में पूजा जाता है। हम बात कर रहे हैं रांची के एक कुम्हार परिवार की, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तैयार करता है। मूर्तियां बनाने का यह इनका कारोबार पुश्तैनी है और कई पीढ़ियों से ये मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। पिता चाचा जो है उनको करते करते देख देख के हम लोग सीखे हैं, भाई लोग से देख देख के सीखे हैं। मूर्तियां बनाने के लिए एक खास प्रकार की मिट्टी कोलकाता से मंगाई जाती है। कुम्हार के हाथों गूंथे जाने और भट्टी की आग में तपने के बाद ही ये मूर्तियां पूजे जाने योग्य बन पाती हैं। बड़े ही सलीके और धैर्य से जब मूर्तिकार इन पर रंग चढ़ाता और इनका श्रृंगार करता है तो मूर्तियां जीवंत हो जाती हैं। गंगा मिट्टी कोलकाता से वहाँ पे घर पे ही करते हैं, ट्रांसपोर्ट से हम मंगवाते हैं, फिर यहाँ पर खुद से प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद कलर होता है, वो सालों भर का प्रोसेस है। साल भर की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद दीपावली के मौके पर मूर्तिकार को लक्ष्मी के दर्शन होते हैं और तब इनके हाथों बने लक्ष्मी गणेश ही तय करते हैं कि वे किसके घर विराजेंगे। बहरहाल मिट्टी को भगवान में बदलते देखना हो तो गोपाल प्रजापति के घर आ सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन जारी। पहले चरण के लिए अब तक 57 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने खरीदे पर्चे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक दर्ज हुए 12 मामले, 12.5 करोड़ रुपए के अवैध सामग्री और नकदी भी जब्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और विधानसभा अध्यक्ष नाला से लड़ेंगे चुनाव। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का राज्य में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया।